हेलो बच्चों, इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं इनऑर्गेनिक से, उसके लिए मैं छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। आप उसको ध्यान से देखिएगा और बहुत ही आसान है। ये इनऑर्गेनिक के टॉपिक्स की शुरुआत कर रहा हूँ, ये काफ़ी यूज़फुल है आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कंपाउंड और उनके फेमस नेम। NaNO3 को क्या कहते हैं? चिली सॉल्ट पीटर। NaNO3 को क्या कहते हैं? चिली सॉल्ट पीटर। KNO3 को इंडियन सॉल्ट पीटर, यानी यह सोडियम नाइट्रेट है, ये पोटेशियम नाइट्रेट है। Ca9PO4O6 CaF2, इसको फ्लोरएपेटाइट। Ca9PO4O6 CaCl2, इसको क्लोरएपेटाइट। Ca9PO4O6 CaOH2, इसको कहते हैं हाइड्रोक्सीएपेटाइट। तो ये क्या हो गया? जिसमें फ्लोरीन है फ्लोरएपेटाइट, क्लोरीन है क्लोरएपेटाइट, OH है हाइड्रोक्सीएपेटाइट। इसके बाद है CaSO4.2H2O, तो यह क्या है? जिप्सम। और इस जिप्सम में से 3/2 यानी डेढ़ मॉलिक्यूल वाटर निकाल देंगे तो बच जाएगा CaSO4½H2O, ये कहलाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। MgSO4 7H2O को क्या बोलते हैं? इप्सम सॉल्ट। BaSO4 को क्या कहते हैं? बेराइट। PbS को क्या बोलते हैं? गैलेना। ZnS को क्या बोलते हैं? जिंक ब्लेंड। एंड CuFeS2 इसको बोलते हैं कॉपर पाइराइट। Na3AlF6 इसको बोलते हैं क्रायोलाइट। तो ये वाले जो हैं ग्रुप 15 के और ये जो हैं ग्रुप 16 के कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो ग्रुप 15 हैं उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जैसे कि ऑर्डर ऑफ सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एन्थैल्पी। तो आपको पता है कि डाउन द ग्रुप एटम का साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एन्थैल्पी क्या होगा? घटेगा। लेकिन फर्स्ट आयनाइजेशन एन्थैल्पी लगातार जो है नीचे की ओर घटेगा, जबकि सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एन्थैल्पी में ग्रुप 15 में कुछ गड़बड़ी है। तो उसको देख लीजिए कि कैसे है। इसका ऑर्डर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ और एंटीमनी। यानी सबसे ज़्यादा जो सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एन्थैल्पी है वो नाइट्रोजन का है, तब फॉस्फोरस है, तब आर्सेनिक है, तब बिस्मथ है और तब एंटीमनी है। जबकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो ऑर्डर है ग्रुप 15 में, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, तब फॉस्फोरस, तब आर्सेनिक। एंटीमनी और बिस्मथ का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होता है। ठीक इसी तरह से हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस में जो सबसे बड़ा होगा वो है आर्सेनिक है, उसके बाद फॉस्फोरस है, तब नाइट्रोजन है, तब बिस्मथ है और सबसे छोटा कौन है? एंटीमनी। जबकि मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होगा वो कैसे है? सबसे ज़्यादा आर्सेनिक, तब है एंटीमनी, तब है बिस्मथ, फिर फॉस्फोरस और तब है नाइट्रोजन। यानी सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका? आर्सेनिक का। सबसे कम नाइट्रोजन का। इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट देखिए, सबसे ज़्यादा एंटीमनी, तब बिस्मथ, फिर आर्सेनिक, फिर फॉस्फोरस, फिर नाइट्रोजन। यानी बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है नाइट्रोजन का, सबसे ज़्यादा है एंटीमनी का। जबकि ग्रुप 16 में क्या है? तो इसमें देखेंगे हम लोग क्या? इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी। यानी जहाँ गड़बड़ी है वही केवल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी, तो सबसे ज़्यादा सल्फर का, उसके बाद सेलेनियम है, तब टेल्यूरियम है, तब पोलोनियम है और सबसे लास्ट में कौन है? ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी किसका है? सल्फर का। सबसे कम किसका है? ऑक्सीजन का। कारण क्या है? तो इसका कारण है ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा छोटा साइज और कॉम्पैक्ट नेचर। जबकि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जो है ऑक्सीजन फैमिली में कैसे होगा? सबसे ज़्यादा टेल्यूरियम का, उसके बाद पोलोनियम का, तब है सेलेनियम है, फिर सल्फर है और सबसे कम ऑक्सीजन का। सबसे ज़्यादा टेल्यूरियम का, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का। ठीक है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। थैंक यू।